जय श्री गुरुदेव तामिलस्त मोदी जी नमस्ते आई एम सीमा चिंतन देसाई फ्रॉम लोसर अपारू सर आप इतने सारे यंगस्टर्स के आइकन हो रीजन आप सिर्फ बोलते हैं और जो बोलते हो वो करके दिखाते हो सैल्यूट्स सर एक प्रश्न है भारतीय ग्रामीण अंचल की बालिकाओं हेतु अनेक योजनाएं चल रही हैं इसकी प्रगति के लिए हमारा समाज क्या योगदान दे सकता है कृपया मार्गदर्शन दें धन्यवाद धन्यवाद महोदया मान्यवर सीमा चिंतन देसाई जी ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं की शिक्षा को लेकर चिंतित हैं और श्रीमान से जानना चाहती है कि इस दिशा में आपके मंतव्य क्या हैं माननीय प्रधानमंत्री जी वैसे मैं समझता हूं कि स्थितियां काफी बदली हैं पहले के समय में जब शिक्षा की बात आती थी तो माँ बाप को लगता था कि बेटे को पढ़ाना चाहिए अपने लिमिटेड संसाधन से भी उनको लगता था कि इतने ही स्थिति है चलो बच्चा पढ़ेगा तो कुछ कमाएगा और कभी कभी कुछ माँ बाप ये भी कह देते थे अरे बेटी को पढ़ा के क्या करना है भाई उसको नौकरी थोड़ी करवानी है अब वो तो अपना ससुराल जाएगी वो अपना जिंदगी का गुजारा कर लेगी ये मानसिकता का कोई कालखंड था हो सकता है आज भी कुछ गांवों में कहीं पर इस प्रकार की मानसिकता बची हुई होगी लेकिन बाय एंड लार्ज आज स्थितियां बदली है और समाज बेटियों के सामर्थ्य को जानने में अगर पीछे रह गया तो वह समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता कभी कभी तो आपने ऐसे परिवार देखे होंगे जहां पर ये कहते होंगे भाई बेटा तो होना ही चाहिए ताकि बुढ़ापे में काम आएगा बेटी तो क्या है वो तो ससुराल चले जाएगी वो क्या काम की ऐसी भी एक सोच हमारे समाज में है और कभी तो थी लेकिन इतिहास अनुभव करता है और मैं इन चीजों को बड़ी बारीकी से देखता हूं मैंने ऐसी कई बेटियां देखी है जिन्होंने माँ बाप की इकलौती बेटी माँ बाप के सुख और उनके बुढ़ापे की चिंता के लिए खुद ने शादी नहीं की और माँ बाप की सेवा में जिंदगी खपा दी जो बेटा नहीं कर सकता ये बेटियों ने किया है और मैंने ऐसे भी परिवार देखे हैं कि घर में चार बेटे हैं चार बेटों को चार बंगला है सुख चैन की जिंदगी है दुख कभी देखा नहीं है लेकिन माँ बाप वृद्धाश्रम में जिंदगी गुजार रहे हैं ऐसे भी बेटे मैंने देखे इसलिए पहली बात है समाज के अंदर बेटे बेटी एक समान कोई भेदभाव नहीं ये आज के युग की अनिवार्यता है और हर युग की अनिवार्यता है और भारत में कुछ विकृतियां आई हैं आने के कुछ कारण रहे होंगे लेकिन ये देश गर्व कर सकता है अगर गवर्नेंस की बात याद करें तो किसी जमाने में अहल्या देवी का नाम आता था बेस्ट गवर्नेंस के रूप में कभी वीरता की बात आए तो रानी की झांसी लक्ष्मीबाई का नाम आता था वीरता के लिए बेटियां ही तो थी यानी कोई युग ऐसा नहीं होगा और हमारे यहां तो विदुषी ज्ञान का भंडार बेटियों ने करके दिखाया है तो पहले तो हमारी अपनी मानसिकता दूसरा आज स्थिति बदली हुई है आज तो आप देखेंगे नए जो बच्चे स्कूल आते हैं ना तो बेटों से ज्यादा बेटियों की संख्या होती है ये हिसाब आ रहा है आज जो बेटियों के एस्पिरेशंस हैं आकांक्षाएं हैं वो कुछ कर गुजरने का जो जज्बा है शायद कोई भी हिंदुस्तानी गर्व करे ऐसा है
और उसको हमने अवसर देना चाहिए और वो अवसर हमने इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए। कोई एक परिवार अपने तरीके से कर ले ऐसा नहीं, जैसे आपने देखा होगा खेलकूद में, आज खेलकूद में किसी भी स्तर का खेल चलता होगा, भारत की बेटियां हर जगह पे कहीं ना कहीं अपना नाम रोशन कर रही है। विज्ञान का क्षेत्र देखिए, इतने बड़े बड़े अचीवमेंट विज्ञान के आते हैं तो देखोगे तो उसमें आधे से अधिक तो हमारी बेटियों ने कुछ पराक्रम किया होता है विज्ञान के क्षेत्र में। आप 10वीं 12वीं के रिजल्ट देख लीजिए, बेटों से ज्यादा बेटियां ज्यादा मार्क्स लाती है, पढ़ने की पास होने वाली की संख्या बेटियों की ज्यादा होती है। तो आज हर परिवार के लिए बेटी एक बहुत बड़ी एसेट बन गई है, बहुत बड़ा परिवार की शक्ति बन गई है और यह बदलाव अच्छा है। यह बदलाव जितना ज्यादा होगा उतना लाभ होगा। अब आप देखिए, तो गुजरात से ही है जिन्होंने सवाल पूछा है, गुजरात में जैसे पंचायती राज व्यवस्था है, अच्छी पंचायती राज व्यवस्था है, 50% इलेक्टेड बहने हैं, कानूनन व्यवस्था है कि 50%, लेकिन एक्चुअली चुनाव के बाद स्थिति यह बनती है कि चुनी हुई महिलाओं की संख्या 53%, 54%, 55% है। अरे वो अपने रिजर्व सीट से तो जीती है लेकिन वो सामान्य सीट से भी जीत करके 55% तक कभी कभी जाता है और पुरुष 45% पे आ जाते हैं। इसका मतलब समाज का भी माताओं बहनों पर विश्वास बढ़ा है, तभी तो जाकर के वो जनप्रतिनिधि बनकर के आते हैं। जब आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा आज तक के कालखंड की सबसे ज्यादा विमेन एमपी है। और गांव में भी देखा जा रहा है कि जो पढ़ी लिखी बेटियां हैं उनको लोग ज्यादा चुनना पसंद करते हैं, भले वो पांचवी हैं तो सातवीं वाली बच्ची को बहन को चुनाव में जीतने के पसंद के, सात के सामने कोई 11वीं वाली है तो उसको पसंद करेंगे। यानी समाज में भी शिक्षा के प्रति सम्मान का भाव हर स्तर पर नजर आ रहा है। आज आप एजुकेशन फील्ड देख लीजिए, शायद कभी न कभी तो पुरुषों की तरफ से मांग आने की संभावना है, मैं किसी को रास्ता नहीं दिखा रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी वालों को, लेकिन कभी कभी संभावना है कि पुरुष जुलूस निकालेंगे कि टीचर में हमारा इतना परसेंट आरक्षण तय करो, क्योंकि ज्यादातर टीचर हमारी माताएं बहने हैं। उसी प्रकार से नर्सिंग में ज्यादातर जो सेवा भाव मातृभाव होता है वो आज नर्सिंग के क्षेत्र में भारत का गौरव बढ़ा रहा है। भारत की नर्सिंग दुनिया में जहां जा रही है, भारत की आन बान शान बढ़ा रही है। इवन पुलिसिंग में, पुलिसिंग के अंदर आज हमारी बेटियां बहुत बड़ी मात्रा में आ रही हैं। अब तो हमने एनसीसी में बेटियां, सैनिक स्कूल में बेटियां, आर्मी में बेटियां, जीवन के हर क्षेत्र में, और ये सारी चीजें इंस्टीट्यूशनलाइज हो रही है। और मुझे समाज से भी यही आग्रह है कि आप बेटे बेटी में कोई अंतर मत कीजिए, दोनों को समान अवसर दीजिए। और मैं कहता हूं शायद समान इन्वेस्टमेंट से ही, समान अवसर से ही अगर बेटा 19 करेगा तो बेटी 20 करेगी।